भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया है। आपात संकट के बाद जारी हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए आपातकाल लगा दिया गया है, यह अहम खबर है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आपातकाल लगाने की घोषणा की है, अहम खबर। दरअसल आर्थिक संकट की वजह से हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे, जगह जगह भीड़ बढ़ रही थी, अराजक हो रहे थे और इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि इसी वजह से श्रीलंका के राष्ट्रपति जी राजपक्षे ने आपातकाल लगाने की घोषणा की। पड़ोसी श्रीलंका महंगाई की आग में उलझ रहा है, दाने दाने के लिए दंगे हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल की एक एक बूंद को मोहताज ये खूबसूरत देश बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। कंगाल हो चुके श्रीलंका में महंगाई ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सब्जी और किराना के सामानों के दाम आसमान छू रहे हैं। श्रीलंका में डीजल की इस कदर कमी है, बसों और ट्रेनों के पहिए थम गए हैं। पेट्रोल आयात करने की भी श्रीलंका के पैसे नहीं बचे हैं। डीजल खत्म होने से बड़े बड़े प्लांट बंद कर दिए हैं। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा भंडार 70% तक कम हो चुका है। श्रीलंका के पास कच्चा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 महीने में पेट्रोल की 92% बढ़ी, जब डीजल के दाम 76% तक बढ़े। श्रीलंका में पेट्रोल 300 रुपए लीटर, वही डीजल 230 लीटर तक हो चुका। श्रीलंका में 1 किलो चावल है। दवाई और खाने पीने के सामान के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। तमाम मुसीबतों को झेलने को लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। राष्ट्रपति के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई है। लोगों ने जमकर तोड़फोड़, आगजनी की, बसों को आग के हवाले कर दिया। आक्रोशित लोगों ने राष्ट्रपति राजपक्षे के घर को घेरने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान लोगों की पुलिस से जमकर झड़प भी हुई। श्रीलंका की कार में इस परिवार के कुल 7 लोग हैं। इनमें गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति, उनके भाई महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, चमल राजपक्षे सरकार में सिंचाई मंत्री हैं और सबसे छोटे भाई बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री हैं। यानी चारों भाई सरकार के बड़े पदों पर हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के पुत्र नमल राजपक्षे खेल मंत्री हैं और कृषि मंत्री कमल राजपक्षे के पुत्र शिशेंद्र राजपक्षे सरकार में जूनियर मिनिस्टर हैं। हिंसक प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने बड़ा कदम उठाते हुए श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और श्रीलंका में इस वक्त जो आर्थिक संकट है वो कितना बड़ा है, ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार बात करें तो 70% तक घट गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई है। 17.50 हजार करोड़ ही विदेशी मुद्रा इस वक्त है। 91 हजार करोड़ प्रति वर्ष आयात पर खर्च होता है। इसे आप अंदाजा लगाइए कितनी कमी है विदेशी मुद्रा की। आयात के लिए पैसा बचा ही नहीं है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। पिछले 3 महीने में पेट्रोल 92%, डीजल 76% महंगा हो गया है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत वहां पर 303 हो गई है। 1 लीटर डीजल की कीमत, डीजल असल में मिल ही नहीं रहा है, खत्म हो गया है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्राइसिस किस तरह का है। डीजल पूरी तरह से खत्म हो गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठप हो गए हैं, बिजली के बड़े बड़े प्लांट्स बंद हो गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स चल नहीं रही हैं, अंधेरा है, रसोई गैस के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। 1 किलो चावल की कीमत 200 रुपए हो गई है। 400 ग्राम दूध अगर चाहिए तो 800 रुपए जेब में होने चाहिए। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीलंका के हालात इस वक्त कैसे हो गए हैं। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।